ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? हमारे रहते बच्चे चुपचाप ही नहीं कर सकते, वो दोनों चुपचाप हैं। अच्छा ये बताओ सुनील भैया, तुम्हें मना किया था ना इनके सामने एक दूसरे को नाम से मत पुकारना। गलती हो गई ना, चल माफ कर देना। सॉरी बोल रहा हूँ ना। गधा कहीं का। नहीं अदिति रोना मत, हम जल्द से जल्द छूट जाएंगे। उनका फोन आया? नहीं आया। काम पूरा होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। एक मिनट, लगता है वो लोग आ गए। अब किसी भी वक्त ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, जैसा होगा फिर मुझे बताना। ओके अब काम बहुत जल्द हो जाएगा। सही है। रोना मत अदिति, हम लोग उन बच्चों को रवाना कर देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। ऐसे कैसे रवाना कर देंगे? दोनों नाम सुन चुके हैं मेरा, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। तुम लौटा तो तुम खिड़की के बाहर चल जाना। हाँ। कहाँ गए ये दोनों? रुको मैं देखता हूँ। उधर हैं? दिखाई नहीं दे रहे, लगता है भाग गए। चलो जा रहा है। भाग, बस थोड़ा सा और। भैया वो देख, वो रहे बच्चे। अरे रुको, चल भागा। भाग भैया, भाग भाग। अदिति अदिति उठ उठ अदिति। अदिति उठो। भैया भैया नहीं, मुझे नहीं जाया जा रहा है। प्लीज अदिति। बोल तेरा भाई कहाँ है? मुझे मुझे नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ, बता। बोल नहीं तो मार दूंगा तुझे, बोल। अरे डमरू, गन देख। देखता हूँ यार। कहाँ पर है गन? अरे मिल गया। अरे क्या? अरे गधे मैं हूँ, छोड़। गन देख, गन ढूंढ। ढूंढता हूँ। इधर इधर दिखाओ, ये रहा गन। हाँ दे 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 दे, दे ला। लगता है बच्चे भाग गए। चलो ढूंढते हैं, बच के जाने नहीं चाहिए, खास करके वो बच्चा। चलो थैंक गॉड तुमने टायर चेंज कर दिया, वरना आज पूरी रात हमें हाईवे पर ही गुजारनी पड़ती। आ जाओ दीदी, आराम से संभाल के। अदिति वो देख फोन, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। संभल के अदिति, आ जाओ। आ,
सॉरी। तुम बैठो इधर। मम्मी फोन नहीं उठा रही है। हेलो हेलो सियाड़ी। अरे दिखता नहीं तुझे? ए भाई लोग, मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोग यहाँ वहाँ देख रहे हो, क्या गड़बड़ करने जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस हम लोग ऐसे ही अच्छी जगह देख रहे थे बैठने के लिए। मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम लोग बैठ जाते हैं आराम से ना। आप अपना काम कीजिए ना। ठीक है ठीक है, जाइए। अरे यार, बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो यही खड़ा था। यहीं कहीं होगा। नमस्ते एसीपी साहब, आज यहाँ खाना खाने आए थे? नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं आए हम लोग। तुम्हारे यहाँ से दो बच्चों ने हमें फोन किया था, मदद मांग रहे थे। क्या उन दोनों बच्चों को देखा तुमने? कहाँ पर है वो? दो बच्चे? हाँ देखा तो था, मुझे लगा फैमिली वालों के साथ में है वहाँ, लेकिन अभी वहाँ नहीं है। सर हो सकता है कहीं छुप गए हो? हाँ हो सकता है। काम करते हैं, ढूंढते बच्चों को। बैठ जाओ। रोहन, रोहन, अदिति, रोहन, रोहन, कहाँ गई ये बच्चे? रोहन देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं, तुमने फोन किया था ना हमें। रोहन, अदिति, संभाल के आजा 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 आजा। क्या हुआ बताओ? वो गंदे अंकल हमको मार देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। घबराओ मत, हम लोग हैं ना। ये क्या हुआ, मोच आ गई? हाँ। पूर्वी आओ, ले जाओ इसे। पर ये बच्चे हमारी कार में कैसे? ओ, अंकल आंटी सॉरी, हम दोनों वो गंदे अंकल से बचकर आपके गाड़ी में छुप गए थे। अच्छा बेटा, जो दो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे, क्या वो अभी भी यहीं पर है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अरे बच्चों के लिए दूध लेकर आओ, बिस्किट्स भी लाओ। चलो लाओ बेटा, ग्लास मुझे दे दो। थैंक यू। थैंक यू अंकल। अच्छा लगा बेटा, बिस्किट खाओगी? कोई बात। अच्छा बच्चों बताओ, पहले से बताओ क्या हुआ,
तीन दिन पहले हमें स्कूल में से भगा के लेके गए थे और जंगल में एक बंद घर में बांध कर रखा था। अच्छा बेटा, जंगल में जहाँ आपको बांध के रखा गया था वो घर कहाँ पे है आपको कुछ पता है? नहीं, याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या उन गंदे लोगों ने तुम्हारे घर पर फोन वोन किया था? बात की उन्होंने तुम्हारे मम्मी के साथ, पापा के साथ? पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। पापा गॉड के साथ रहते हैं। सर, आपको फोन लगाने से पहले मैंने मम्मी को फोन लगाया था। फिर? लेकिन मम्मी फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारी मम्मी का फोन हमें दो, हम ट्राई करेंगे। 1-44-6-888-17। अच्छा कोई बात नहीं। सर फोन तो बज रहा है लेकिन फोन उठा नहीं रही है वो। सचिन, है ना बड़ी अजीब बात, एक माँ जिसके दो बच्चे किडनैप हुए हैं वो मम्मी हमें कांटेक्ट तक नहीं करती, फोन पर भी अवेलेबल नहीं। ये कैसे हो सकता है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम करो, अभिजीत को फोन करो, उसे नंबर दो और उसे कहो को ट्रैक करे जल्दी। सर, एसीपी अंकल। हाँ बेटा। मुझसे एक गलती हुई थी। गलती? कैसी गलती बेटा? अंकल, मैंने ना वेटर अंकल के टिप में से 1 रुपया लिया था। क्यों? मुझे कॉल करना था। किसे फोन करना था? आपको। हमको फोन करना था? कोई बात नहीं, बहादुर हो तुम। सर, हाँ, रोहन के मम्मी के फोन की लोकेशन उत्तन के किसी रिसोर्ट में बता रही है सर, और अभिजीत सर भी वहीं आने वाले हैं। अच्छा, उत्तन। पुलिस यहाँ? सर यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पे हैं। पूर्वी एक काम करो, बच्चों को गाड़ी से बाहर आने मत देना, ध्यान रखने को कहो कांस्टेबल को। आइए। तो ये बच्चों की माँ रूपाली, उसका फोन यहीं पे लोकेट हुआ है। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि लाश एक औरत की है। औरत की लाश है तो कहीं है। लाश आइडेंटिफाई हुई है? जी हाँ सर, उसका नाम कारा है। कारा है? जी हाँ सर। सर वो लोग जो खड़े हैं, कारा उन्हीं के ग्रुप से है। एक्चुअली उन लोगों ने ही कारा के बॉडी को पहली बार देखा था। ये बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जाना। जी ठीक है, और कोई भी इनसे मिलने आएगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कारा की बॉडी कहाँ है? तो ऊपर वाले फ्लोर पर। एक काम करो अभिजीत, तुम ऊपर जाके वो आईना कर लो, मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। यस सर। तो आप लोग कारा के साथ थे? यस सर। वैसे आप? सर मैं विक्रम और ये मेरी वाइफ सूजी। सर मैं अंगद और ये मेरी वाइफ अंबिका। और ये मेरे हस्बैंड योगेंद्र, मैं शालिनी। आपके हाथ पर क्या है, खून कैसा? सर वो कारा की बॉडी पलटते वक्त हाथ पे खून लग गया था। अच्छा, एक मिनट, यहाँ ना। मतलब ये कारा उधर खड़ी होगी, खूनी यहाँ आया और उसने 5 फीट से गोली चला दी। मतलब कारा ने खूनी के लिए दरवाजा खोला? दरवाजा खोला तो फिर इसका क्या है? सर एक और बात, सर ये कारा का रूम नहीं है, रूपाली का रूम। क्या? खूनी मारना किसको चाहता था, कारा को या रूपाली को? लेकिन सर
फिर ये कारा रूपाली के कमरे में अकेली क्या कर रही थी? सर आज रूपाली का बर्थडे था, इसलिए उसको सरप्राइज देने के लिए कारा उसका रूम सजा रही थी। वैसे आप लोग एक दूसरे को जानते कैसे? सर हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग शहरों से हैं। दरअसल आज हमारी कंपनी ने एक वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज करी थी तभी हम मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे सर। अच्छा, वैसे ये आइडिया किसका था रूपाली को सरप्राइज देने का, बर्थडे पार्टी? जी सर वो कारा का ही था। कारा रूपाली के कमरे को सजा रही थी जब खूनी यहाँ आया और उसने कारा पे गोली चला दी। ये सवाल अभी भी परेशान कर रहा है। दरवाजा ऐसे क्यों टूटा है? खूनी आया, उसने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा बंद था, और जब ये सब हुआ तो कारा के दोस्त कहां पे थे? कारा ने कहा कि रूम डेकोरेट होने में टाइम लगेगा इसलिए हम मार्केट चले गए। हाँ सर, हमने प्लान किया था कि हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे, और जब हम वापस आए तो विक्रम ने कारा को कॉल किया था ताकि वो तैयार रहे। मजा आ गया, मैंने आज रियली बहुत एंजॉय किया, सही बता रहा हूँ। बहुत मजा आया। मन तो करता है कि हमारे सारे फंक्शन सारे प्रोग्राम्स डेली यहीं पर हुआ करें। आज तो रूपाली की हद की कॉफी पियेंगे ना, क्योंकि वो बहुत यम्मी कॉफी बनाती है। अरे भाई, रूपाली की हद की कॉफी हम भी पियेंगे आज। हाँ हाँ, सब लोग पियेंगे। अब देखते हैं कैसी कॉफी बनाती है रूपाली आज। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग रूम में जाओ, मैं आती हूँ। और ये चाबी लो। नहीं रूपाली। लो, प्लान तो फेल हो गया। इट्स ओके, हम लोग चलते हैं, वो आएगी, सरप्राइज हो जाएगी। या, लेट्स गो। दरवाजा खुल नहीं रहा है, शायद अंदर से बंद है। वो अंदर से लॉक क्यों करेगी भला? कारा, कारा दरवाजा खोलो। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? विक्रम प्लीज तुम ट्राई करो ना। कारा, कारा, ये रूपाली क्यों नहीं है तुम्हारे साथ, कहाँ गई वो? नहीं पता सर, लेकिन सर तब से वो वापस नहीं आई है। सर कहीं ये रूपाली इन्वॉल्व तो नहीं मर्डर में? हो सकता है। वॉचमैन, इधर एक बात बताओ, क्या तुमने रूपाली को यहाँ रिसोर्ट से बाहर जाते हुए देखा? रिसोर्ट में आने के बाद में कोई भी गेस्ट बाहर नहीं गया सर। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। कोई भी गेस्ट रिसोर्ट से बाहर नहीं गया, इसका एक ही मतलब है कि रूपाली अभी भी इसी रिसोर्ट में है। रिसोर्ट का कोना कोना छान मारो, ढूंढो रूपाली को। निखिल चेक करो। सर हमने इस रिसोर्ट का हर कमरा और हर कॉरिडोर चेक कर लिया है, रूपाली कहीं मिली नहीं रही है। देखते, एक कमरा बाकी है। ये है ना? जी है सर। सर गेस्ट दरवाजा नहीं खोल रहा है, शायद कहीं गए होंगे। सर ये रूम मिस्टर संदीप ने 3 दिन के लिए लिया था, काउंटर पर की नहीं है, इसका मतलब है कि वो अंदर ही होंगे। मास्टर की से खोलो। ओके। सर मर चुकी है। माय गॉड, रोहन और आदिति की मां रूपाली। जिस पोजीशन पे बॉडी पे गोलियां लगी हैं, खूनी ने यहां से गोली चलाई होगी, ऐसे। ये तो बड़ी अजीब पोजीशन है गोली चलाने की, खूनी ने यहां कमर के नीचे बंदूक रख के गोली चलाई होगी क्या? ज्यादातर तो लोग
सीने के सीध से गोली चलाते हैं और खूनी ने यहाँ नीचे कमर के पास रख के गोली चलाई, ऐसा क्यों? एक मिनट जाओ पकड़ना है सर। पूर्वी ट्वीजर दो, ट्वीजर। लगता है ये है वो चौथी गोली। लोहे का छल्ला, ये किस किस्म की गन यूज की है खूनी ने? सर एक और चीज, अगर खूनी कमरे में आया और कारा का खून कर चला गया तो फिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? चिटकनी किसने लगाई? राइट, क्योंकि चिटकनी अंदर से लगी थी इसीलिए कारा के दोस्तों को दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है और यहाँ पे जितनी खिड़कियां हैं वो भी अंदर से बंद है। खून हुआ कैसे? बड़ी उलझी हुई पहेली है ये। सिर्फ यही उलझन नहीं है अभिजीत, किसी ने रूपाली को भी मार दिया है और वो भी तीर से। सर पहले रूपाली के बच्चे किडनैप हुए, फिर कारा का खून रूपाली के कमरे में हुआ और फिर रूपाली का भी खून हो गया। सर रूपाली की लाश जिस कमरे से मिली है संदीप, उसका नाम भी नकली है और आईडी भी नकली है। ये संदीप की फोटो देखिए, इसकी दाढ़ी और मूंछें बड़ी अजीब लग रही है। हाँ फ्रेडी, दाढ़ी मूंछें तो अजीब है ही पर इसका चेहरा भी अजीब है। मेरा मतलब है ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। जयंती, इस कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। यस। कारा के अलावा तो यहाँ कोई आया भी नहीं, ये संदीप भी नहीं। सर फिर कारा का खून किसने किया? कारा का खून किसने किया? संदीप के कमरे का फुटेज देखते हैं। किसी ने कैमरे पे सीमेंट लगाया है। कोई तो है जो चाहता है उसका मोमेंट सीमेंट के पीछे छुप जाए। ऐसा लगता है कि ये काम इस संदीप का ही है। पता लगा ही लेंगे कौन छुपा था सीमेंट के पीछे। सर जिसने भी सीसीटीवी कैमरा पे सीमेंट लगाया है वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे। ये देखो, यहां पर ना कोई सीढ़ी है ना कुछ, सिर्फ ये पाइप। इसका मतलब है ये खूनी इस पाइप से ऊपर चढ़कर आया, खिड़की खोली और सीसीटीवी कैमरा के पीछे से सीमेंट लगा दिया। यही एक रास्ता है। निखिल सर, पाइप से नीचे उतरोगे? यस सर। गुड, चलो उतर जाओ। देखो जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा नीचे, आराम से आराम से। निखिल संभाल के।
कुछ मिला है। क्या मिला है? कॉटन, सिंथेटिक कॉटन सर। सिंथेटिक रुई? सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होटल है या सर्कस? वो तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी। इस होटल में दो दो खून हुए हैं। खूनी पाइप से चढ़कर खिड़की से अंदर आता है, सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट लगाता है और दो खून करके भाग जाता है। कौन हो सकता है ये खूनी? कौन? इस होटल का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। सर ये दोनों खून तो पहले बन गए। पहले कारा का खून हुआ उसके कमरे में, चारों तरफ से कमरा बंद था। यही नहीं पता चल रहा है खूनी अंदर आया कैसे, और अब ये रूपाली के तीर की पहली। सर वो आखिरी कॉल जो रूपाली को आया था, शायद उसी कॉल ने उसे संदीप के कमरे तक पहुंचा जहां वो मारी गई। अब जी जरा सोचो, मान लिया कि संदीप ने खून किया, पर संदीप उस सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट क्यों लगाएगा, जबकि उसने अपने चेहरा ही बदल दिया था, दाढ़ी मूछे लगाई थी, भेष बदल दिया था। बात तो सही है सर, चेहरा बदल लिया तो सीमेंट लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है? अभिजीत, लगता ये संदीप अपने आप को नहीं कुछ और छुपाना चाहता था। क्या क्या छुपाना चाहता था वो? कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट गया इस कमरे में, एक एक इंच जान मारो कमरे का। रेडी, एक मिनट। हिलना मत। सीमेंट? इस कमरे में कहीं तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। देखिए सर, यहां पे तो छेद है। कीलों से बने लगते हैं। सर यहां पर भी दो होल। अरे सर यहां पे भी दो छेद है। ये चारों तरफ कमरों में है, कीलें क्यों लगाई गई? से चलाया गया था वो तीर, मतलब जिस वक्त खून हुआ उस वक्त संदीप कमरे में था ही नहीं। ये कमरा इसलिए किराए पे लिया गया कि रूपाली का खून उसी समय किया जाए जब कारा का खून हो रहा था। सर मतलब सीसीटीवी कैमरे पे सीमेंट इसलिए लगाया गया था ताकि रूपाली के खून के बाद खूनी यहाँ पर आए, ये सारा सामान निकाले और किसी को पता ना चले। करेक्ट, काफी दिमाग लगाया खूनी ने। चलो रूपाली का खून कैसे हुआ ये तो पता चल गया है, अब हमें ये पता करना है कि कारा का खून कैसे हुआ और किसने किया। जानते हो बॉस, कारा की मौत ये जो छर्रे हैं ना, इन छर्रों की वजह से हुई। या सारों के ये छर्रे हमें भी पता है। ऐसा ही छर्रा अभिजीत को मिला उस कमरे में, समझे? कोई नई बात बता। नई बात सारे का, इन लोगों को नई बात बता। ये देखिए सर,
नई बात यह है कि इसके बॉडी पे ये यहां कुछ मिला है और ये गोली नहीं है। आए तो फिर ये शरीर में घुसा कैसे? स्टेनलेस स्टील है बस। यही बोलने वाला था मैं भी सालों से। लेकिन सर ये इसकी बॉडी में आया कहां से? बात तो ये है सर। अरे यार, जहां से छर्रे आए वहीं से ये आया। जहां से छर्रे आए थे वहीं से, फिर तो वापस जाना ही पड़ेगा कमरे में। मेटल का पीस बॉडी में वहीं से आया है जहां से छर्रे आए हैं, और इस कमरे में जो मेटल का सामान था वो तो हम साथ लेकर गए हैं। बस ये नॉब और ये चिट्ठी, ठीक है, इन सब चीजों को दोबारा से दरवाजे पे लगाते हैं। ये तो फिट नहीं हो रहा है। तो दूसरा लेना। मुझे ना ये पुराना है और ये नया। ये चक्कर, ये तो बाहर का है। ये इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये नॉब बदल दिया गया है। बदल दिया? लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? जो ओरिजिनल नॉब था ना, वो है इस पजल का मिसिंग पीस। वो सिर्फ नॉब नहीं था, वो गन थी। गन मतलब सर इस नॉब का इस्तेमाल गन के तरीके से किया गया? करेक्ट। कारा को यहां पेट पे गोली लगी थी। कुर्मी एक मिनट, अगर वो नॉब वाली गन यहाँ पे लगाई जाए तो उसकी हाइट के हिसाब से कारा के पेट में जो छर्रे और मेटल के पीस गया था वो इसी गन से गया था। सर ये काम तो वही कर सकता है जो इस कमरे में आता जाता हो या फिर यहाँ रहता हो। है तो ये रूपाली का कमरा, और रूपाली के बच्चे किडनैप हुए थे तो कहीं खूनी ने उसे जबरदस्ती ये काम करवा लिया और फिर रूपाली का मुंह बंद करके उसका खून करके। सर लेकिन ये नॉब से बनाई हुई गन, ये तो हमें कहीं मिली नहीं। वो कोनी के पास है। कारा का खून होने के बाद कोनी यहाँ वापस आया, वो नॉब वाली गन लेके चला गया और यहाँ पे ये नया नॉब फिट कर गया। इस ग्रुप में से रूपाली का खून हुआ और कारा का, कुछ तो ठीक नहीं है इस ग्रुप के अंदर। है तो ये किसी ग्रुप वाले का ही काम जो आसानी से पाइप के सहारे ऊपर नीचे आ जा सकता हो। जरा सबकी कुंडली निकालो। क्या हो रहा है यहाँ पे और हमें क्यों बुलाया गया है? अरे मुझे क्या पता यार। क्या? मुझे भी नहीं पता। और योगी तुम्हें भी यहाँ बुलाया गया, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे मुझे भी नहीं पता था यार। अरे तुम लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? हाँ। और अंगद नहीं आया? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? हम लोगों को बुलाया क्यों गया यहाँ पर? अरे अब हम लोगों को क्या यार? योगेंद्र मुझे पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना कहाँ यार, पसीना तो ऐसे ही वो पसीना की क्या? तुझे कुछ ना कुछ मालूम जरूर है। अंगद विक्रम दरवाजा, अरे कोई खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, किसने बंद किया दरवाजा? विक्रम कुछ करो। गोली कौन चला रहा है? ये गोली कहाँ से आ रही है? गोली, ये गोली कौन चला रहा है? सुजी? यस। Yes.
भी इस गन को कंट्रोल कर रहा था। और तुम लोग मेरा 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 नाम ले रहे थे, हैं? देखा? विक्रम! कौन कर रहा है ये सब? योगी और सिर्फ हम दोनों ही बचे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूँ, चलो। खिड़की। लेकिन वो तो बहुत छोटी है, तुम वहां से कैसे निकलोगी? जिंदा है ये लोग भी। जोगिंदर तुम क्या करे बेचारा, करना तो बढ़ता नाटक जैसे तुम आज तक करती आई। पूर्वी, शालिनी के नाटक का पर्दा तो ऊपर उठा। लेकिन आप लोग को कैसे पता चला? मैंने तो परफेक्ट प्लान बनाया था। तुम्हारा प्लान तो बिगाड़ दिया रूपाली के उन दो बच्चों ने। वो बच्चे तुम्हारे गुंडों के हाथों से छूट कर हमारे पास आ गए। हमने सारी बातों को मिला के देखा तो पता चला कि कारा और रूपाली की मौत में आप में से ही किसी का हाथ है। सबका बैकग्राउंड चेक किया गया तो एक बात सामने आ गई कि आप बहुत बड़ी जिम्नास्ट है। फिर हमें पाइप में फंसी मिली रुई, सिंथेटिक रुई, जो खास किस्म के बॉडी सूट में इस्तेमाल होती है। अब बस हमें सिर्फ इतना करना था कि एक जाल बुना जाए जिसमें आपको फंसाया जाए, जिससे आपका जिम्नास्टिक का हुनर और वो फैट सूट दुनिया के सामने आ जाए। अब बहुत हो गया, बहुत बता दिया हमने तुमको। अपनी कहानी सुनाओ, और वो भी सच्ची कहानी। कंपनी किसी एक को यूके ब्रांच का सीईओ बनाने वाली थी। इसके साथ मिलती बड़ी गाड़ी, घर और पैसा। मुझे बचपन से विदेश जाने का शौक था और योगी जाने का पूरा हकदार भी था। पर रास्ते में आ रही थी वो रूपाली और कारा। कारा को मारने के लिए तुमने रूपाली का इस्तेमाल किया। रूपाली को उस कमरे में बुलाया जो कमरा तुमने संदीप के नाम पर बुक करके रखा था। कारा को मारने के बाद तुमने फिर रूपाली को वहां मार दिया तीर चलाकर, जो तुमने पहले से वहां फिट करके रखा था। और इन सब में तुमने अपने पति को भी जबरदस्ती शामिल किया। लेकिन योगेंद्र, सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। रूपाली के मरने के बाद तुम फिर से उस कमरे में गई। रूपाली के मर्डर का सारा एविडेंस और उसका फोन तुमने वहां से हटा दिया, और ये सब तुमने किया हमारे रिसोर्ट पहुंचने से पहले। सब अच्छे से हो जाता अगर वो बेवकूफ बच्चे ना आते और आप लोग को ना बुलाते। बच्चे तो अब हमारे पास ही रहेंगे शालिनी, उनका ख्याल हम रखेंगे। लेकिन तुम विदेश जाकर रहना चाहती थी ना, तो क्या कर, अब तो तुम्हें स्वदेश में ही रहना पड़ेगा, वो भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। दो दो खून किए तुमने, फांसी की सजा तो होकर ही रहेगी तुम्हें। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।